मैं मुरारी लाल सैनी माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर रामपुरा। कल हम बात कर रहे थे, जो पिछला वीडियो है उस पिछले वीडियो में हमने संधि के विषय में और संधि के जो स्वर संधि है संस्कृत संधि, ठीक है, इस विषय में बात कर रहे थे। स्वर जो संधि है उस स्वर संधि के भेद पड़े, उस देव संधि में हमारे दीर्घ संधि पहले हो गई, ठीक है। दीर्घ संधि पहले हमने पढ़ी और अब हम आगे उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं, गुण संधि की ओर। गुण संधि, ठीक है। अब जो गुण संधि है, गुण संधि के दो सूत्र होते हैं। एक जो सूत्र होता है इसका, वो होता है अधेड़ गुण, अधेड़ गुण, ठीक है। ये जो सूत्र है एक, दूसरा नंबर का जो सूत्र होता है वो होता है आद गुण, आद गुण। ये दो सूत्र हैं जो पाणिनि का जो अष्ट अध्याय है, पाणिनि व्याकरण, उसके अंदर दो सूत्र है, अधेड़ गुण और आद गुण। अब यहाँ पर ये जो अधेड़ गुण है, ये संज्ञा विधायक सूत्र है। क्या है ये? संज्ञा विधायक सूत्र, संज्ञा विधायक। संज्ञा विधायक सूत्र यानी कि ये निश्चित करता है कि अ, ए और ओ, ये तीन जो वर्ण हैं ये गुण होते हैं। क्या होते हैं? ये गुण होते हैं। इसलिए ये जो सूत्र है अधेड़ गुण, ये संज्ञा विधायक सूत्र है, यानी कि ये संज्ञा निश्चित करता है कि ये यहाँ पर यदि ऐसा वर्ण आए तो ये क्या है? गुण है। अब जब आप बात करें दूसरे सूत्र की, तो यह है आद गुण, यह है संधि विधायक सूत्र। क्या है? संधि विधायक। सूत्र यानी कि ये संधि, जो संधि होने के जो नियम है वो निर्धारित करता है, और ये जो सूत्र है संज्ञा विधायक, ये निश्चित करता है कि गुण क्या है। तो यहाँ पर अ, ए और ओ, ये तीनों वर्ण हैं वो गुण हैं। अब इसकी परिभाषा है आद गुण, जो सूत्र है वो कहता है कि यदि अवर्णांत, अवर्णांत, अवर्णांत यानी अवर्ण के बाद में, अवर्ण में अ और आ, ठीक है। यदि ये दो वर्ण हैं, इन वर्ण के बाद अवर्णांत परे क्या है? अच, अची, अची, सात, पूर्व, परियो, स्थाने, गुणा, गुण एकादेश, भवति, ठीक है। यानी अवर्णांत अ या आ के बाद में, अब अच में क्या हो गया? अच का, अब अच की हम बात करें तो चौदह जो माहेश्वरी सूत्र है उसमें अच कहता है, अच यानी कि अच का मतलब है अ, ई, उ, री, द्री, ए, ओ, आई और औ, ठीक है। यानी कि चौदह माहेश्वरी सूत्र है, जो चौदह माहेश्वरी सूत्र है, माहेश्वरी सूत्र का एक से लेकर के चार तक के जो सूत्र हैं, यानी चौदह माहेश्वरी का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो सूत्र है, वो चौथे सूत्र में के जो वर्ण हैं वो यहाँ आए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा ये कहता है
तो हम इस विषय ये देखें कि यदि मान लिए अ आ के बाद में यदि पहला और दूसरा सूत्र के ये यदि ये वर्ण आए, ठीक है, यानी अ को छोड़कर, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इनकी। तो यहाँ पर अचे यानी कि अ आ के बाद में यदि अ और आ के बाद, हिंदी में हम कहें अ आ के बाद यदि ई उ री और लिरी ये आए, ठीक है, वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर गुण एकादेश, अर्थात गुण एकादेश यानी कि क्रमश क्या हो जाएगा, ए ओ आर और अल ये हो जाएंगे। इसके एक उदाहरण जैसे हम देखें नर प्लस इंद्र, ठीक है, तो अब इसको हम जब मिलाएंगे तो इधर वही बात करें भाई, जो हमारा जो नियम है उस नियम के अनुसार अ है इधर, इधर ई है, यदि ये आता है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, तो इसका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, नरेंद्र। इस प्रकार से ये जो गुण संधि है उसका उदाहरण है। ऐसे ही कोई अन्य उदाहरण हम देखें जैसे गणेश, ठीक है, तो ये हो गया गण प्लस ईस, ठीक है, यहाँ वही ए है इधर ई है, तो ये हो गया ए, इस मिला ये मिलाकर ये बनेगा गणेश। ऐसे अन्य आपको और पांच उदाहरण अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से ढूंढना है और उनका विच्छेद करना है। धन्यवाद।